दोस्तों, अगर जो आप फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं ड्रीम इलेवन पे, आप खेल रहे हैं ड्रीम इलेवन, बहुत सारी टीम लगा रहे हैं, प्रतिदिन 10 टीम लगा रहे हैं, 20 टीम लगा रहे हैं, फिर भी आप फर्स्ट रैंक पे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे इसी वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको फर्स्ट रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भाई, आप फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। भाई, मैं कई बार फर्स्ट रैंक ला चुका हूँ, तो भाई आप हमारी वीडियो को देखें और हमारे वीडियो को समझें, आप फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे। और हमारे चैनल में आपने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो मैं यहीं से वीडियो करता हूँ स्टार्ट। हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैं अब विस्तार से आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा और ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं यह कहाँ पर मैच होने वाला है, बाईलेंस पिच है या बैटिंग पिच है, और यहाँ पर कितने रन बनते हैं, यहाँ पर स्पिनर गेम में आते हैं या फास्टर बॉलर गेम में आते हैं, तो आपको यहाँ से देखना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर पिच लिखा है बैटिंग पिच गुड प्रेशर न, एवरेज व्यूज 164 बताया है, और ये कहाँ पर खेला जाएगा, जिस स्टेडियम का है, तो यहाँ से देख सकते हैं जिस स्टेडियम में खेला जाएगा वहाँ का यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। आपको देख लेना है यहाँ से किस स्टेडियम में खेला जाएगा, पिच क्या है, बाइलेंस पिच है या बैटिंग पिच है, आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है भाई, देखना है आपको बैटर कौन फॉर्म में चल रहा है। तो भाई, जैसे मैं इसी टीम का नहीं बता रहा हूं, किसी टीम का बता रहा हूं, जैसे बटलर हैं, संजू सैमसंग हैं, ऐसे ही अदर और कोई भी मैच हो रहा है उसके हिसाब से, तो भाई आप विकेट कीपर सेक्शन से जो फॉर्म में चल रहे हैं उनको लेना है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना है मैं वो बताऊंगा। जैसे आपको यहाँ से आप देख रहे हैं, जैसे कि राजस्थान है और पंजाब के बीच यह मैच खेले हैं या नहीं खेले हैं या खेलने वाले, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है भाई। तो यह जो है कि राजस्थान पंजाब के खिलाफ नहीं खेला है, और जो खेला होता तो जैसे यहाँ पर 137 है, वैसे इधर भी दिया होता कि इसके खिलाफ जो है कि बटलर ने रन बनाए हैं कि नहीं, और रन बना रहे हैं पंजाब के खिलाफ बटलर चल रहे हैं, तो भाई आप वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं, और नहीं चले हैं तो आपको नहीं बनाना है। उसके बाद से इसका पूरा डिटेल्स जानना है कि बटलर कैसे चलते हैं, क्या है, कितने कब रन दिए हैं, तो आपको यहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से इनका जो है कि पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं, कैसे मारते हैं, कितना मारते हैं, और कब और कैसे खेलते हैं, आप यहां से पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके पूरे जो है कि बैटर को बॉलर का हिस्ट्री जान सकते हैं। दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज बटलर का 90 है, संजू सैम का 83 है, और ये बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, तो इन लोगों को लेना है। लेकिन आप लोग बैटर में जाएँ जिनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, और जो है कि ज़्यादा लोग उनके लिए हैं, तो उनको जो एक नहीं लेना, जो कम लोग लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जे रूट खेल रहे हैं, तो आपको देखिए 14% है, और यहाँ पर हेटमायर को 34% है, तो आपको हेटमायर को नहीं लेना है, आपको लेना है रूट को, क्योंकि इसका परसेंटेज कम है। यह चल गया 20-30 भी पॉइंट दे दिया, तो भाई 20-30 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट रैंक लाने के लिए, क्योंकि आपके पास 4-5 ही पॉइंट नहीं रहेंगे, 10 पॉइंट ही नहीं रहेंगे, तो आप कई लाख आदमी के पीछे जा सकते हैं। भाई, आपको रिस्क लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं दो चार जो है कि ऑलराउंडर में भी हैं, तो भाई जिसमें जो कम है, किसी का परसेंट कम है, भाई वो फॉर्म में चल रहा है, तो उसे आप ले सकते हैं। भाई, यहाँ से आपको बॉलिंग सेक्शन से आना है, जो बहुत फॉर्म में चल रहे हैं चले हैं, इनका परसेंटेज 79% है, और यहाँ से देख लिए भाई पंजाब के खिलाफ नहीं चलते हैं, तो भाई उनको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। तो भाई आप 79% आदमियों से आगे चल जाएंगे इनको ड्रॉप कर देंगे तो, और यहाँ पर 30% जंपा है, तो 30% है भाई इनको ले लेंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो भाई ऐसे करके आपको परसेंटेज वाले को चुनना है, आपको पिच रिपोर्ट जानना है, यहाँ पर कौन कैसे चलता है वैसे जानना है, आपको किसी का हिस्ट्री जानना है, तो भाई आप यहाँ से जाएंगे और उनका यहाँ से हिस्ट्री जान सकते हैं, कितने अपॉइंट देते हैं, कहाँ कब दिए हैं, किसके खिलाफ दिए हैं, आप यहाँ से पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं। तो ऐसे भाई आप जानकारी ले करके अगर जो आप टीम बनाते हैं तो फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए तो हर रोज़ मैं हर टीम का वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके टीम भी देता हूँ, तो हमारे वीडियो को देख लेंगे। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम पर टीम लगा करके दे देता हूं।
तो मेरे भाई हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और इससे भी ज़्यादा ज़्यादा मैं अच्छा वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा, उसी के हिसाब से आपको मैच लगाना है मेरे भाई। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।